हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। जन सुविधाओं को लेकर रोका रास्ता, जताया रोष। वार्ड संख्या 12 की शेरे राजस्थान कॉलोनी में 5 साल बाद भी हालात नहीं सुधरे। यहां अभी भी जन सुविधाओं की दरकार है। जन सुविधाओं की मांग को लेकर शनिवार को दोपहर में क्षेत्रवासियों ने यहां रास्ता रोककर प्रदर्शन किया और सरकार और पार्षद के खिलाफ रोष जताया। शेरी राजस्थान कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि नगर निगम और प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही यहां जन सुविधाओं का अभाव हो गया था। वार्ड पार्षद ने जीत हासिल करने के बाद अभी तक एक बार भी इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया। यहाँ कई सालों से सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों में गंदगी अटी रहती है, साफ सफाई के अभाव में यहाँ बीमारियां फैलती जा रही हैं, कई स्थानों पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, पेयजल किल्लत तो पूरे साल रहती है, वहीं विद्युत पोलों पर रोड लाइटें नहीं है, रात को यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद की अनदेखी के कारण इस कॉलोनी में कई सालों से विकास रुका हुआ है। बार बार शिकायत करने के बाद भी जन समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा। इससे परेशान होकर क्षेत्रवासी शनिवार को दोपहर में सड़क पर उतर आए और यहां रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। वार्ड नंबर 12 शेरे राजस्थान कॉलोनी के अंदर 5 साल से ना पार्षद आया है ना कोई मेंबर आया है, देखा भी नहीं है कि लावारिस बना के इस कॉलोनी को छोड़ दिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी, हमारे बच्चे बीमार पड़े तो यहाँ के ना तो पार्षद जी आते हैं ना कोई आके और कोई सफाई, ना सफाई होती है, ना पानी आता है, ना लाइट आता है, आखिर ये कब तक चलेगा? और गंदगी आप देखिए, देखो अभी देखना आप गंदगी, पूरी नालियां ब्लॉक हुई भी पड़ी है। गटर लाइन नहीं, हमें सीवरेज लाइन चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीवरेज लाइन चाहिए। हमारी समस्या कब तक पार्षद जी नहीं सुनेंगे ये बताइए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।